रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क किनारे जा रहे दो बुजुर्ग महिलाओं को रौंद दिया। दोनों महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सैमसी गांव के पास का है, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क के किनारे जा रहे दो बुजुर्ग महिलाओं को रौंद दिया, जिससे दोनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। एक साथ हुई दो महिलाओं की मौत से परिवार के साथ साथ पूरे गाँव में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क किनारे जा रही दो बुजुर्ग महिलाओं को रौंद दिया। बता दें, दोनों महिलाओं की इस दौरान मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सैमसी गांव के पास का है। वहीं एक साथ हुई दो महिलाओं की इस मौत से परिवार में और साथ ही गाँव में हड़कंप मच गया। तेज रफ्तार से डीसीएम ने सड़क किनारे जा रही दो महिलाओं को रौंद दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। इस वक्त की एक बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क किनारे जा रहे दो बुजुर्ग महिलाओं को रौंद दिया। दोनों महिलाओं को की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौका मुआयना किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। वहीं एक साथ हुई दो महिलाओं की मौत से परिवार के साथ साथ पूरे गाँव में कोहराम मच गया। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, डीसीएम तेज रफ्तार डीसीएम ने दो महिलाओं को रौंद दिया, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में क्या कुछ बड़ी जानकारी है इस मामले में? सुशील,